हाय स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, स्टूडेंट्स रेगुलरली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा परफेक्ट डे प्लान क्या होना चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, अपने दिन का परफेक्ट शेड्यूल बनाने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो कम से कम 12-13 आवर्स का इफेक्टिव आउटपुट आप निकाल सकेंगे। इसके लिए आप रोज सुबह 6:00 सोकर उठें, 6 to 6:30 फ्रेशन अप होने का स्लॉट है, अब लगभग 15-30 मिनट्स की लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा जॉगिंग जरूर करें, और फिर 7 to 10 AM आप पढ़ाई करें, 10 to 11 ब्रेकफास्ट एंड बाथिंग के लिए टाइम प्लान करें, 11 to 1 फिर से स्टडी टाइम रहेगा, 1 to 2 लंच एंड रेस्ट, और फिर 2 to 5 फिर से स्टडी, 5 to 6 फन टाइम जिसमें आप अपने को रिलैक्स करें, अपने फैमिली मेंबर्स से हल्का फुल्का चिट चैट करें, 6 to 8 फिर से स्टडी टाइम होगा, 8 to 9 डिनर एंड रेस्ट टाइम, और फिर 9 to 11 फिर से स्टडी टाइम, 11 PM पर सो जाएं और मॉर्निंग 6 AM उठ जाएं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस शेड्यूल में 7 घंटे की नींद, 1 घंटे की मस्ती, लगभग 4 घंटे का रूटीन वर्क एंड रेस्ट टाइम आपको मिल रहा है, और 12 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी टाइम आप निकाल पा रहे हैं। ये मिनिमम टाइम तो आपको निकालना ही होगा। अगर आप स्लीप टाइम 1 आवर रिड्यूस कर देते हैं और रूटीन वर्क में से कुछ टाइम बचा लेते हैं तो आप लगभग 14 घंटे का स्टडी टाइम निकाल सकेंगे। सो वर्क हार्ड एंड प्लान एंड शेड्यूल योर डे इन अ बेटर वे। विश यू ऑल द बेस्ट।